लेकिन इस बार कुछ नया करें, है ना। तो मैं आज लेके आई हूँ एक ऐसा ही खूबसूरत फूल। इसके जो लीव्स होते हैं कुछ इस तरह से तलवार के शेप के होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति आले मध्य प्रदेश से। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लोजी हाजिर हूं फिर से एक नए विषय और वीडियो के साथ। दोस्तों, विंटर्स में बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत फूलों का सीजन है और आप सब लोग इसकी तैयारियों में भी जुट गए होंगे। विंटर्स में सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग वाले प्लांट्स मिलते हैं और हमारे गार्डन में सबसे ज़्यादा विंटर्स में ही फ्लावरिंग देखने को मिलती है। तरह तरह के फूल होते हैं, लेकिन इस बार कुछ नया करें, है ना। तो मैं आज लेके आई हूँ एक ऐसा ही खूबसूरत फूल जो आपके इस विंटर के सीजन में आपके गार्डन की शोभा बढ़ा देगा। सच मानिए बहुत ही खूबसूरत फूल है। तो वीडियो को लेट ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए क्योंकि डेफिनेटली आप लोगों को वीडियो पसंद आने वाली है। जल्दी से लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जो अभी तक फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब करके फैमिली को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसी प्रकार की मज़ेदार और नई नई जानकारी वाली वीडियो में लेकर आती रहती हूँ। तो आइए। तो जी फ्रेंड, आज हम इस खूबसूरत फूल के बारे में बात करने वाले हैं। ये फूल है ग्लेडियोलस लिली। बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक, बहुत ही खुशबूदार पौधा होता है जिसे बल्ब के द्वारा आसानी से ग्रो किया जा सकता है। प्याज की तरह कुछ इस तरह के इसके बल्ब होते हैं। ग्लेडियोलस के बल्ब आसानी से बाज़ार में मिल जाते हैं, नर्सरी में भी उपलब्ध होते हैं और ये कहीं आपको ना मिले तो ऑनलाइन ईजिली आपको मिल जाते हैं। तो मैंने भी कुछ ऑनलाइन मंगाए हैं। वही है ना, ऑनलाइन मंगाने का नतीजा कुछ अच्छे तो कुछ बुरे होते ही हैं। तो मैंने जो मंगाए हैं ये बल्ब, इसमें से कुछ की हालत तो बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत छोटे साइज़ के हैं और कुछ हैं तो उनमें अंकुरत तो निकल रहा है, लेकिन गारंटी नहीं है कि इनमें फ्लावरिंग होगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसकी मिट्टी कैसी बनानी है। मैं हमेशा ही कहती हूँ कि किसी भी प्लांट के लिए अच्छी वेल ड्रेन एंड हेल्दी मिट्टी बनानी चाहिए। मैंने लिया है 1 part गार्डन सॉइल, 1 part रिवर सैंड, 1 part वर्मी कंपोस्ट, थोड़ी सी कोकोपीट और थोड़ी सी नीम खली। ये देखिए किस तरह से मेरी मिट्टी एकदम हेल्दी और भुरभुरी तैयार हो गई है। तो आज मैं इनको लगाने लगी हूँ। तो वीडियो को आप लोग अच्छी तरह से देखें। आप लोग अधूरी वीडियो देखते हैं एंड इसके बाद मुझसे तरह तरह के सवाल करते हैं कि कहाँ मिलते हैं, इस फूल का नाम क्या है। कहा भी गया है कि अधूरा ज्ञान कम ज्ञान से ज़्यादा खतरनाक होता है। तो वीडियो को प्लीज़ आप लोग कंप्लीट देखिए। आज मैं ग्लेडियोलस की पूरी जानकारी आप लोगों को देने वाली हूँ। तो जी मिट्टी की तो बात हो गई, सनलाइट की बात करें तो इसे कम से कम 5 घंटे की सीधी धूप चाहिए ही चाहिए, वरना ये फ्लावरिंग नहीं करेंगे। पौधे का साइज़ जो होता है 3 से लेकर 10 meters तक का हो जाता है और फूल का साइज़ 5 से 13 centimeters का होता है। लगाने का समय इसका बेस्ट सीज़न है सितंबर से नवंबर या फिर फरवरी से अप्रैल तक भी आप इसे ईज़िली ग्रो कर सकते हैं। और इसके फूल खिलने का टाइम होता है जून से लेकर नवंबर तक। फूलों के रंगों की बात की जाए ना तो मैं समझती हूँ कि सबसे ज़्यादा अधिक रंगों में ग्लेडियोलस ही मिलता है। तरह तरह के खूबसूरत रंग के इसमें फ्लावर्स मिलते हैं और स्पेशली ये फूल बुके में बहुत ज़्यादा ही यूज़ किया जाता है। इसके बहुत ही खूबसूरत बुके बनता है, मार्केट में इसकी काफ़ी डिमांड है। बल्ब लगाने के लिए हमेशा इसका निचला वाला हिस्सा नीचे रखना है और चोंच वाला जो हिस्सा ऊपर रखना है और पूरा बल्ब ज़्यादा नीचे गहरा नहीं दबाना है। ये इस तरह से कुछ इसको मैंने रख लिया है। पानी की बात की जाए दोस्तों तो इसे पानी तब देना है जब गमले की मिट्टी की ऊपरी परत सूख जाए। अधिक पानी से इसके बल्ब गलने का खतरा होता है। मैं सारे ही बल्ब ग्रो करने वाली हूँ क्योंकि मेरे कुछ बल्ब इसमें छोटे हैं, लेकिन अभी मैं उसे लगा लूँगी तो नेक्स्ट सीजन के लिए उसके बल्ब तैयार हो जाएंगे। इसके फूल जब खिलते हैं ना एक स्टॉक जैसी निकलती है, यानी कि एक स्टिक निकलती है जिसमें कि ढेर सारे गुच्छों में फूल होते हैं और ये फूल काफ़ी दिनों तक चलते हैं। मैंने ये बल्ब ऑनलाइन मंगाए हैं और मेरा ये एक्सपीरियंस बहुत ही गंदा रहा है क्योंकि मेरे अनहेल्दी बल्ब आए हैं। फिर भी मैं इन्हें ग्रो कर रही हूँ।
मुझे लग रहा है इस सीज़न इसमें फ्लावरिंग तो नहीं होगी। रीज़न, क्योंकि मेरे बल्ब का साइज़ बहुत ही छोटा है। ये यदि ग्रो भी हो जाएंगे तो शायद ही इनमें फ्लावरिंग हो। कुछ एक में तो अंकुरण भी निकले हुए हैं। देखते हैं रिजल्ट क्या होगा। अपडेट मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम देती रहूँगी। जब भी आप बल्ब लें तो हेल्दी एंड बड़े साइज़ के बल्ब लें, तो उन बड़े साइज़ के बल्ब में फ्लावरिंग के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। जो छोटे साइज़ के बल्ब थे उनको मैंने एक पॉट में दो लगा दिया है। छोटे साइज़ के जो बल्ब होंगे यदि ग्रो भी हो गए हैं तो उनमें फ्लावरिंग नहीं होगी, लेकिन वो नेक्स्ट सीज़न के लिए मैच्योर हो जाएंगे। तो इसलिए छोटे बल्ब भी हों तो उन्हें ग्रो कर लेना चाहिए। तो इस तरह से मैं किसी में एक और किसी में दो दो इस तरह से लगा रही हूँ। इनको लगाने के बाद मैं अच्छी तरह से इसमें वाटरिंग कर दूंगी और जैसे ही इसमें अंकुरण होगा मैं आप लोगों को रिजल्ट दिखाऊंगी। तो जी दोस्तों, मेरे इन बल्ब को लगाए हुए 4 दिन हो गए हैं और रिज़ल्ट देखिए, इसमें मुझे थोड़ा सा अंकुरण दिखाई दे रहा है और इसमें कुछ भी अंकुरण नहीं हुआ है, और ये इसमें भी चांसेस नज़र आ रहे हैं और इसमें भी नहीं हुआ और इसमें भी स्प्राउटिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसके जो लीव्स होते हैं कुछ इस तरह से तलवार के शेप के होते हैं, इसलिए इसे सॉर्ड लिली यानी कि तलवार लिली भी कहा जाता है। ये 8 दिन का रिज़ल्ट है और देखिए जी अंकुरण मेरे किसी में तो बहुत अच्छे से हो गए और किसी में तो बिल्कुल ही नहीं हो रहे हैं, ये भी हो गए हैं। मेरे कम से कम 10 बल्ब लगाए हैं और 10 में से 8 में अंकुरण हुए हैं और 2 में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। कहने का मतलब है मैंने 10 बल्ब लगाए थे जिसमें से 8 बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो रहे हैं और 2 बल्ब में अभी कोई भी अंकुरण दिखाई नहीं दे रहा है। एक बहुत सारे कलर्स भी मिलता है और इसमें एक ख़ास बात ये भी है कि इसमें ग्रीन कलर के भी फूल मिलते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में बहुत रेयरली ग्रीन कलर का इसका फूल देखने को मिला है। अदरवाइज़ रेड, येलो, पिंक तो मिलते ही हैं। अच्छी फ्लावरिंग के लिए हमेशा ही बिग साइज़ के ही बल्ब खरीदने चाहिए। तो जी दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। तो सोचे ना, वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि आप लोग भी इस सीज़न कम से कम अपने गार्डन में से ऐड कर सके। सॉरी मैं आपको खिला हुआ फूल नहीं दिखा सकी। यदि मैं खिले हुए फूल तक का वेट करती तो आप लोगों का फूल लगाने का टाइम चला जाता। तो अभी बिल्कुल बेस्ट टाइम है इसके बल्ब को ग्रो करने का। तो सोचिए मत, फटाफट लेके आइए और लगाइए और अपने गार्डन में 4 चांद लगाइए। तो बस आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद एंड बाय।